इन दिनों क्रिकेट प्रेमियों के सबसे बड़े त्योहार आईसीसी वर्ल्ड कप की धूम है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। भारत में इस मुकाबले को खेलने के लिए दुनिया भर की 10 टीमें मौजूद हैं। भारत की मेजबानी और अतिथि सत्कार की तारीफ खुद पाकिस्तान के खिलाड़ी करते नहीं थक रहे हैं। मतलब सब कुछ चंगा चल रहा है, लेकिन इस महामुकाबले के बीच प्रेमियों के मन में क्रिकेट प्रेमियों के मन में ये सवाल है कि क्या ओपनिंग सेरेमनी के बिना ही ये पूरा टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वीकार कीजिए मेरा यानी अक्षय प्रताप सिंह का नमस्कार। तो मामला ये है कि वनडे विश्व कप 2023 में फैंस को ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह देखने का मौका नहीं मिला। वैसे ओपनिंग सेरेमनी का मतलब तो यही होता है कि पहले एक धमाकेदार कार्यक्रम का आयोजन हो और उसके बाद चालू हो कार्यक्रम ट्रॉफी जीतने का। होना भी ऐसा ही था, लेकिन इससे पहले कि 4 अक्टूबर को ये सेरेमनी होती, बीसीसीआई की तरफ से इनकार कर दिया गया। लेकिन आप घबराएं नहीं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप इस सुनहरे अवसर से वंचित रह जाएंगे। अगर आप प्रेमी हैं, मतलब अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 14 अक्टूबर को एक ऐसा ही धमाकेदार कार्यक्रम होने वाला है। दरअसल शनिवार 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया है। कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले से पहले फैंस के लिए बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह का लाइव परफॉर्मेंस रखा गया है। मतलब फैंस को अरिजीत सिंह का ये लाइव परफॉर्मेंस देखने का मौका मिलेगा। हालांकि इस मसले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसी खबरें तेजी से चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान मुकाबला देखने के लिए अहमदाबाद में भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर, सुपरस्टार रजनीकांत और अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियां मौजूद रहने वाली हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा बीसीसीआई सचिव जय शाह के पिताजी यानी गृह मंत्री अमित शाह भी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि गर्मी कितनी रहने वाली है। खैर, माना ये जा रहा है कि इस दौरान फैंस को रंगारंग कार्यक्रमों का लुत्फ भी मिल सकता है। इस कार्यक्रम में युवा दिलों के सुकून अरिजीत सिंह अपने सुर साधने वाले हैं। समा कैसी बंधेगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान मुकाबले से ठीक पहले अरिजीत सिंह का प्रोग्राम दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। बता दें कि भारतीय टीम ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। वहीं पाकिस्तानी टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने नीदरलैंड्स और श्रीलंका को शिकस्त दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।